ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट वाले केस में आता है, तो इसमें कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। जी, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, जब भी रसाना केस के बारे में माजी या मुस्तकबिल में बात होगी तो इनके बारे में बात ज़रूर होगी। हमारे साथ मौजूद हैं अफादुल मुजतबा, आईजीपी क्राइम जम्मू। मुजतबा साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि एक साल आप इस केस के साथ जुड़े भी रहे और आपकी देख रेख में सब कुछ हुआ, आपके ज़ेरे निगरान अब ये जो वर्डिक्ट आया है, जो फैसला आया है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अब क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के बारे में हमें थोड़े सी रिजर्वेशंस हैं, वो हम जजमेंट को एग्जामिन करेंगे, जो बाकी भी एक्विटल हुआ है उसमें एग्जामिन करने के बाद फैसला करेंगे कि हमारा इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स क्या होगा। क्योंकि अगर आपने एक कोर्ट में गए हैं, ट्रायल कोर्ट में, और आपने एक स्टैंड लिया है, उस स्टैंड में जो है वो क्या खामियाँ अदालत ने देखी, या उनकी उस जजमेंट में जो है वो टेक्निकली ऐसी क्या दिक्कतें हैं जिनको फर्दर हायर कोर्ट में ले जाया जा सके। आपकी टीम भी उन एविडेंसेस को कलेक्ट करने में लगी थी जो ये साबित करती कि वो शख्स वहीं था, जिसमें शायद एटीएम से पैसा निकालने वाली बात या बाकी चीज़ें, तो ये कहाँ कमी रह गई? उन्होंने सीसीटीवी का और एग्जामिनेशन में अपेयर होने का अवेलेबल ली, कोर्ट ने अवेलेबल जो है वो एक्सेप्ट की। उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं कि वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं उनको वेरीफाई किसने किया, उनका सोर्स क्या था, ये चंद चीज़ें हैं जो हम अभी एग्जामिन कर रहे हैं। मैं उसके बारे में हतमी तौर पे कमेंट नहीं करूँगा, उनको एग्जामिन करेंगे और उसके बेसिस के ऊपर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम हाईकोर्ट में जाएंगे। तो क्या इस पॉइंट पे आपका ज़्यादा फोकस रहेगा कि जो लैकनुअस रहे हैं वो तमाम चीज़ों के ऊपर, जिन जिन चीज़ों के साथ हमको ये लगता है कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो पूरी तरह से अप्रिशिएट नहीं हुआ, उन तमाम चीज़ों में, चाहे वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट हो, चाहे वो एलिबे वाला पोर्शन हो, इन तमाम चीज़ों पे जो है वो इनको एग्जामिन करेंगे। फिलहाल तो हम खुद ही एग्जामिन करेंगे, तो उस बेसिस के ऊपर जो है फिर वो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जाएंगे। क्योंकि इसमें जब सुप्रीम कोर्ट ने ये ट्रायल शिफ्ट किया था तो उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इसकी अपील जो है वो लाई करेगी पंजाब में, तो उसमें जो है हमको लॉयर्स वगैरह करके वहाँ पे जाना पड़ेगा। जब मीडिया के ज़रिए जो है आप किसी चीज़ को दिखाते हैं कि यही सच है तो लोग बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव को चेंज करने में आपकी टीम को जो हर्डल्स आई या आपको जो परेशानियाँ आई वो कितना मुश्किल था? ओवर अ पीरियड टाइम ये हो गया कि मीडिया और सोशल मीडिया ये एक पब्लिक ओपिनियन जनरेट करने में काम करता है, तो उस वजह से कुछ लोग जो है वो हक में थे, कुछ लोग जो है हमने क्रिटिसिज्म भी किया होगा, बट एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि मेजॉरिटी लोग जो है वो हमारे साथ थे।